नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद की लंदन में जमकर पिटाई की गई है। लंदन में कुछ लोगों ने उन्हें घूंसे मारे और उन पर अंडे फेंके। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख और रेल मंत्री शेख रशीद पर लंदन में उस समय हमला किया गया जब वो एक होटल में पुरस्कार समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। हमलावर शेख रशीद को पीटने के बाद वहां से भाग निकले। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से संबद्ध पीपुल यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के अध्यक्ष आसिफ अली खान और पार्टी की ग्रेटर लंदन महिला शाखा की अध्यक्ष समाह नाज ने ली है। रेल मंत्री शेख रशीद ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान पीपुल पार्टी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से पीपुल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और ग्रेटर लंदन महिला शाखा के सदस्य उनसे नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने राशिद पर केवल अंडे फेंकने की बात कही है। दोनों नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद को उनका एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने उनके खिलाफ विरोध जताने के लिए ब्रिटेन में अंडा फेंकने के सभ्य तरीके का ही इस्तेमाल किया। आवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि उनके पास इस घटना का कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके संगठन के सदस्यों ने शेख रशीद के ऊपर हमला किया था। इस मामले में जल्द ही मामला दर्ज कराया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। We'll be right back.